नमस्कार जी, मैं मंजू। मेरे कई भाई बहन ऐसे होंगे जो पानी के पौधे, जिन्हें की एक्वाटिक प्लांट्स भी कहा जाता है, वो लगाने के शौकीन होंगे। तो आज जो जितने भी पानी के पौधे हैं उनकी केयर पे मैं छोटा सा वीडियो बनाऊंगी। वैसे तो आप मेरे जो वीडियो पुराने सर्च कर सकते हैं, तो उनके लिए आपने क्या क्या इस टाइम अभी करना है। तो वैसे फरवरी में जिन्होंने काम कर लिए हैं तो उन्हें फिर अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और जिन्होंने नहीं किए हैं तो वो अभी भी ये काम कर सकते हैं। ये जैसे कि आप वाटर लिली का प्लांट देख रहे हैं, तो ये जो विंटर में डोरमेंसी पीरियड में चले जाते हैं, तो जैसे गर्मी आती है तो फिर ये निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इनके लिए आप नई मिट्टी बनाइए और बस नीचे गोबर की खाद डाल सकते हैं। तो मेरे पुराने वीडियो देख लें कैसे डाली हुई है। तो एक हिस्सा गोबर की खाद का डालें और एक पार्ट आप उसमें सैंड डाल सकते हैं और एक पार्ट आप उसमें मिट्टी। तो पहले गोबर की खाद डालनी है और फिर ऊपर सैंड और मिट्टी मिक्स मिली जो वो ऊपर डाल देनी है। फिर आपने इस तरह से जो ट्यूबर लगा देनी है और जो हेड ये है ये ऊपर को रखना है। तो मेरे वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो ये काम कर लेना है। तो ये जो वाटर लेट्यूस देख रहे हैं, तो ये मेरा विंटर के टाइम भी बहुत अच्छे से ये खिल रहे थे। तो मैं रोज़ इनमें जैसे पानी नहीं देती हूँ, पानी नीचे बैठा हुआ है। हाँ, ये है कि कई सारे पौधे जैसे मैं भूल जाती हूँ कि अभी गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो इसमें पानी होगा नहीं होगा। पानी अगर ख़त्म हो जाए तो फिर ये पूरे आपके ड्राई हो सकते हैं। तो इसलिए आप दो दो या चार चार दिन के बाद कुछ पानी तो इनमें डाल ही दीजिए। तो इन्हें जो प्लांट्स को है अभी 4-5 घंटे की धूप में इन्हें रखना है, और जब मई और जून की बहुत तेज गर्मी आती है उस टाइम फिर इन्हें आप नेट के नीचे रखें, पर बिल्कुल छाया में नहीं रखना। उस टाइम भी इन्हें धूप चाहिए, तभी ये अच्छे से चलते हैं। और इसके साथ साथ आप इन्हें मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो इन्हें निकालते जाइए। मेरे तो ये खूब फैले हुए थे, तो मैंने आज खूब सारे पौधे जो इनके निकाल दिए हैं, ताकि ये तो इतने बड़े बड़े फैल जाते हैं, इनको फैलने की जगह ही नहीं मिल रही है, ये पूरे घने घने हैं। तो इनके कई सारे जो अभी इस टाइम आप छोटे पोट या बड़े पोट किसी में भी ये इन्हें लगा सकते हैं। तो इनमें करना क्या है, बस अगर थोड़ी सी इनमें जो ये वाटर लिली होते हैं, वाटर लिली में तो ज़्यादा मिट्टी चाहिए होती है, बस हेड जो है ऊपर का वही दिखता है और इनमें थोड़ा ऊपर पानी रहता है जैसे कि आपने अभी देखा। तो इसमें वाटर लेट्यूस में इतनी मिट्टी डालने की ज़रूरत नहीं है, बस 2-4 मुट्ठी मिट्टी डालिए और 2-4 मुट्ठी आप गोबर की खाद डाल दीजिए और फिर पानी से भर दीजिए। रूट्स इसकी डिप होनी चाहिए और ऊपर ये तैरता हुआ, तो ये खूब अच्छे से चलता है, तो कोई ख़राब नहीं होता है। तो मेरे कई भाई बहन कह रहे कि हमारे ये प्लांट्स अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो धूप की कमी होगी, इन्हें धूप चाहिए होती है। अगर पोट में लगा है तो बस फुल डे सनलाइट से बचाएं, क्योंकि बहुत तेज गर्मी है। बस 4-5 घंटे की जहाँ धूप है सीधी धूप में, वहाँ पे अभी इन्हें रख दीजिए, तो इनकी हेल्थ अच्छी होने लगेगी। और पानी चाहे तो मैं इसका पता नहीं कितने महीनों हो गए हैं तो पानी मैं उलटाती नहीं हूँ, मैं बस जैसे 2-3 दिन के बाद पानी ताज़ा डाल देती हूँ, यही सब केयर मैं इसकी करती हूँ। और ये मैंने जो सिंगाड़े का प्लांट ये लगा रखा हुआ, तो ये इतने सारे हैं तो इसे अभी ट्रांसप्लांट नहीं करना, कई बार ये हमारे मई जून की गर्मी में मर भी जाते हैं। तो इनकी सारी ये रूट्स आई हुई होती हैं, ये देख रहे हैं रूट्स आई हुई, तो इनके कई सारे प्लांट्स आप कट करके बना सकते हैं, जैसे यहाँ से कट किया। तो ये बरसात में ये काम करना है। और बस ये जो इसमें क्या काम करना है, ये जो डक बीड है ये दूसरे पौधे बढ़ने नहीं देता है, तो इसको बस थोड़ा थोड़ा निकालते रहना। तो हम चाहते हैं डक बीड भी हमारा हो और ये प्लांट भी बना रहे, तो डक बीड को थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहें ताकि ये अच्छे से हमारा ये सिंगाड़ा फैल जाए। तो सिंगाड़े के पौधे में अगर डक बीड डाला है तो आपने ये काम करना है। तो ये मेरे सिंगाड़े का एक ही पौधा है, तो इसके मैं अगर गर्मियों में बचा लेती हूँ तो ढेर सारे पौधे ये इनके बना सकती हूँ। और मैं दिखाती हूँ आपको, ये पानी वाला प्लांट भी हमारा सदाबहार है। तो इसके साथ भी इसके जो पुराने पुराने प्लांट निकाल लेने हैं, और न्यू न्यू जो ग्रोथ हो रही है और वैसे ही इसके साथ भी वैसे करनी है। 2-3 मुट्ठी आप उसमें गोबर की खाद डाल लीजिए और 2-3 मुट्ठी मिट्टी की डाल लीजिए, बस पानी भर के इन्हें ऊपर ही
डाल देना है, तो ये सब कर सकते हैं, चाहे बड़े पोट में लगाएं चाहे छोटे पोट में आप लगाएं। तो ये एक्वाटिक प्लांट्स जो हैं बहुत ही काम के होते हैं, बहुत बढ़िया खाद बनती है, प्लांट्स को जो है बहुत ही हेल्दी रखती है। तो मैं खाद के तौर पे भी इन्हें इस्तेमाल करती हूँ और ये गार्डन कैसे शोभा तो बने हुए हैं। तो मेरा ख्याल है अब मैंने वीडियो पूरा बना दिया है। और कईयों के यहाँ अगर ट्यूबर जैसे वाटर लिली के लगाते हैं ना, अभी इस टाइम रूट्स नहीं आती हैं, कई बार बनने में टाइम लगता है, तो फिर वो जून महीने तक अच्छी ग्रोथ हो जाती है और फूल आने लगते हैं। तो आप बस अगर ट्यूबर उनके बने हुए हैं, कुछ भी रूट्स नहीं आई हैं, ऊपर पत्ते निकल रहे हैं, तो पत्ते तभी वो आपके चलेंगे जब रूट्स बनेंगी उसकी, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो बड़े हार्डी होते हैं। तो आप बस नई मिट्टी और वो डाल देना, आप जो जैसे मैंने बताया, अगर रेतली मिट्टी है आपकी, मिट्टी में पहले से रेत मिली हुई है, तो फिर वो हाफ मिट्टी और हाफ गोबर की खाद नीचे डालनी है, ताकि वो ऊपर पानी में तैरे नहीं। और हर रोज ही वाटर लिली में थोड़ा थोड़ा पानी रोज ही डालना है। तो मैंने वाटर लिली में बस साल में एक बार ही उसका पानी निकालती हूँ, या फिर जब ऊपर काई जम रही हो बहुत ज़्यादा, तो काई भी तभी जमती है जब खाद वगैरह का खूब इस्तेमाल हो। तो मैं खाद वगैरह भी ज़्यादा देना पसंद नहीं करती, बस ज़्यादातर जो अभी इस टाइम डालती हूँ वही सब होता है। तो इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।